वहीं दूसरी ओर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के पीजी पाठ्यक्रम में जननायक जयप्रकाश और लोहिया के विचारों की पढ़ाई फिर से शामिल की जाएगी। विश्वविद्यालय के सिलेबस से दोनों नेताओं के विचार की पढ़ाई हटाए जाने के बाद जारी विवाद के बीच गुरुवार को शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेपी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए गए हैं उसकी जाँच चल रही है। इस मामले में क्या कुछ सच्चाई है जो जाँच के बाद सामने आएगी। विजय चौधरी ने इस बीच ये भी कहा कि जेपी और लोहिया के विचारों की पढ़ाई फिर से पाठ्यक्रम में शामिल होगी। गवर्नर ने भी इस समस्या के निदान का भरोसा दिलाया है। हमें भी आश्चर्य हुआ, हमने तत्काल अपने अपर मुख्य सचिव से बात की, उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की, उन्होंने भी अखबार में पढ़ के उसी समय हमसे बात की और कहा कि क्या देख रहे हैं और सच पूछते हैं। तो उसी समय से इस मामले की तहकीकात पूरे जोर शोर से हम लोगों ने शुरू कर दी और जो अभी तक बातें आई हैं सामने में, उसी समय, शायद कल ही की तो बात है, समाचार कब, कल ही आया था, कल ही आया था, कल आया था, और कल ही हमारे अधिकारियों ने 9:30 बजते बजते विश्वविद्यालय के जो अधिकारी होते हैं, वाइस चांसलर यानी कुलपति या फिर रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव, इन दोनों से हमारे अपर मुख्य सचिव, उप निदेशक, निदेशक, सब लोगों ने बात की कि आखिर ये क्या मामला है। उन लोगों के भी पूरा पूरा संज्ञान में नहीं था, और जितना संज्ञान में था और जिस तरह से चीज़ें बताई गई वो हम लोगों के संतोष, हम लोगों के लिए संतोषजनक नहीं था। मैंने हम लोगों ने उनकी बातों को सेटिस्फैक्ट्री नहीं, कला संकाय में अलग अलग विषय होते हैं तो उसके कुछ विषय की चर्चा हमने अलग से की है, लेकिन किसी भी विषय में अगर इस तरह के कोई बदलाव हुए हैं तो उसमें निश्चित रूप से सरकार के सहमति या सरकार के संज्ञान में तो अवश्य लाया जाना चाहिए, और सरकार की तरफ से हम बिहार के लोगों को भी और सब लोगों को, आप लोग मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोगों की ये सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, इस माने में हम लोग पूर्ण रूप से सजग हैं और संवेदनशील हैं, और एक बार बात संज्ञान में आ गई है तो फिर इसका निराकरण अवश्य होगा। और हम आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि इस तरह के सकारात्मक निदान निकालने वाली जो बातें हों उसको निश्चित रूप से उजागर करें। हम लोग इसके लिए आप